दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल इट्वेरियम मंच से स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे हेरिटेज हेरिटेज क्या है, और अभी हाल ही में 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 सेलिब्रेट किया गया है, उसकी थीम क्या है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें जानेंगे। और हम लोग जानेंगे कि इंडिया में, भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, मतलब जितने भी साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे विद फोटो। और हम लोग देखते हैं, तो इस बार जो वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 सेलिब्रेट किया गया था, उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट, मतलब विरासत और जलवायु। और 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया था यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक है। उसमें क्या है कि 167 कंट्रीज हैं, और जिसमें कितना 1155 मॉन्यूमेंट हैं। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS इन 1982 अनाउंस 18 अप्रैल एज द वर्ल्ड हेरिटेज डे। ICOMOS ने क्या किया है, 18 अप्रैल को उसने घोषित किया है कि 18 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा, वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। देखते हैं कि व्हाट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्या है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ प्लेस, क्या है, एक स्थान है, ठीक, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल। तीन बेसिस दिया गया, एजुकेशनल बेसिस पर, साइंटिफिक बेसिस पर और कल्चरल बेसिस पर, क्या है वो उसको दिया जाता है, हेरिटेज का दर्जा दिया जाता है किसी भी मॉन्यूमेंट्स को। दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाय द कन्वेंशन रिगार्डिंग द इनकरेज द आइडेंटिफिकेशन प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन, मतलब संरक्षण की बात की गई है, उसका महत्व की बात की गई है, और कौन कौन से जो कल्चरल साइट्स होती हैं उन सबको। हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्टेड बाई यूनेस्को इन 1972 से इसकी अवधारणा आई है। अब हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्राइटेरिया का किस बेसिस पर यूनेस्को क्या करता है, किसी भी मॉन्यूमेंट्स को, पैलेस को क्या करता है, वो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देता है। ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, इंटरचेंज ऑफ वैल्यूज हो, टेस्टिमनी ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन, टेस्टिमनी मतलब गवाह हो, एक प्रकार से कल्चरल ट्रेडिशन का वो कुछ रहा हो, पुराने जमाने से चलता आ रहा हो। सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन सोशल हिस्ट्री, उसका जो मानव जो इतिहास है उसमें बहुत ज्यादा उसका इम्पोर्टेंस रहा हो। ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट हो, हेरिटेज एसोसिएटेड विद इवेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस हो, नेचुरल फिनोमेना और ब्यूटी हो, मेजर स्टेज ऑफ अर्थ हिस्ट्री पर जो भी स्टेज रहे हैं उन सबका इम्पोर्टेंस हो, सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, इकोलॉजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात की गई है, द सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा द सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट फॉर बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट में आ जाएगा ये। हम लोग देखेंगे कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, 40 यूनेस्को, 40 कितना है, मतलब 40 यूनेस्को कितना है, 40 कौन कौन से हैं, अभी जो फिलहाल में जो ऐड हुए हैं उन सबकी बात कर लेते हैं, फिर 40 जो हैं उन सबको अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। रमप्पा टेम्पल और तेलंगाना, कहाँ है रमप्पा टेम्पल, तेलंगाना में है, और धौलवीरा गुजरात में 2021 में। कल्चरल पर्सपेक्टिव से इन दोनों को दिया गया, रमप्पा टेम्पल को और धौलवीरा को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी 44th सेशन हेल्ड इन चाइना, जो उसका 44th सेशन हुआ था, सेशन चाइना में हुआ था, उस समय उसको दिया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज इंक्रीज फ्रॉम 38 to 40, और प्रेजेंट टाइम में कितना है, 40 है, पहले कितना था, 38 था। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक करके हर जितने भी हैं, 40 को हम लोग देखते हैं सभी। अजंता के 1983 में इसको दर्जा मिला, महाराष्ट्र में है, फेमस फॉर किसके लिए, बुद्धिस्ट रॉक कट के, मतलब पत्थर से काट कर बनाया गया है। इट इज डिस्ट्रिक्टली डेकोरेटेड विद पेंटिंग एंड फ्रेस्कोस लाइक सिगिरिया पेंटिंग, सिगिरिया एक पेंटिंग होती है, उसके द्वारा कट के इसको बनाया गया है, देख रहे हैं ना, इसमें पिलर्स लगे हुए हैं और ये पूरा एक पत्थर का बना हुआ है, उसको पत्थर को काट काट के बनाया गया है जोड़ जोड़ कर। एलोरा केव 1983 में इसको भी मिला है, महाराष्ट्र में है ये। जैन एंड हिंदू टेम्पल, इसका जैन और हिंदू टेम्पल के लिए फेमस है, और मोनेस्ट्रीज मतलब मठ होते हैं जो बौद्ध के लिए, उन सब के लिए। दिस केव्स वेर एक्सकवेटेड आउट ऑफ हिल्स, मतलब हिल्स को, मतलब पहाड़ों को, जो हिल्स होते हैं उनको खोद कर बनाया गया है। एंड इट इज ए रॉक कट आर्किटेक्चर, ये कौन सा है आर्किटेक्चर, रॉक कट मतलब लोहे पत्थर को काट कर ही इसको भी बनाया गया है।
देख रहे हैं ना, ये हिल्स के नीचे की बात हो रही है, मतलब हिल्स के नीचे है ये, और हिल्स को ही काट कर बनाया गया है ये आगरा फोर्ट। 1983 में इसको भी मिला है, और इस आगरा में ये, सब लोग जानते होंगे आगरा फोर्ट के बारे में। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर बाय द मुगल एम्पायर। ये जो सबसे मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, किसके द्वारा? मुगल एम्पायर के द्वारा बनाया गया है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा है, देखते हैं अब आगे। अब है ताजमहल, इसको तो कौन नहीं जानता, ताजमहल को 1983 में इसको भी मिला है दर्जा, और आगरा में ये भी है। दिस इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, सात अजूबों में इसकी इसको गिना जाता है। वर्ल्ड के जितने भी सात अजूबा हैं, उसमें से सात मतलब एक इसका भी स्थान है। शाहजहां है ब्यूट दिस स्ट्रक्चर इन द मेमोरी ऑफ हिज थर्ड वाइफ बेगम मुमताज महल। और क्या है ये, शाहजहां ने क्या किया अपने थर्ड वाइफ के याद में, बेगम मुमताज महल के नाम पर, मतलब उनका बेगम मुमताज उनका नाम था, उनके नाम पर बेगम मुमताज महल बनवाया था। ये ताजमहल, इसमें चार मीनार है, देख रहे ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और गुम्बद है ये, और आगे पूरा पानी है। कौन कौन जो भी गया वो कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कौन कौन गया है यहाँ पर। सन टेम्पल 1984 में इसको मिला है, उड़ीसा में है ये। दिस टेम्पल इज फेमस फॉर द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर। ये कौन सा है, कलिंगा आर्किटेक्चर है, उसका मतलब उसके डिजाइन का बनाया गया है ये। देखते हैं इसमें क्या है, ये श्रद्धालु लोग हैं यहाँ पर। सुन थोड़ा, महाबली मॉन्यूमेंट, इसको 1984 में तमिलनाडु में, ठीक है, मतलब तमिलनाडु। दिस मॉन्यूमेंट इज फेमस फॉर द महाबलीपुरम लार्जेस्ट ओपन एयर रॉक रिलीफ महापर मंडपर चेरियॉर टेम्पल। इट इज पल्लव डायनेस्टी आर्किटेक्चर। कौन से डायनेस्टी का, कौन से वंश का है ये, पल्लव के है, पल्लव जो वंश था उसके डायनेस्टी का है ये, ठीक है। और इसमें मंडप बनाया है, और चैरियट मतलब जो घोड़े का रथ होता है ना, उसको हम चैरियट बोलते हैं। टेम्पल मतलब उसमें उस तरफ का जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं चैरियट टेम्पल। तो और आगे हम लोग देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, 1985 में असम में है। फेमस अवर्ड टू थर्ड पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट हॉर्न रिनोस। जो देख रहे हैं ना, वर्ल्ड का जितने भी पॉपुलेशन है, इसका वन हॉर्न रिनोस जिसका ये एक हाथ, ये एक सिंग होती है, उसका दो थर्ड इसमें पाया जाता है यहाँ पर असम में। इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर क्या हाईएस्ट डेंसिटी है, सबसे ज्यादा मतलब कम क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं, इसको बोला जाएगा हाईएस्ट डेंसिटी टाइगर्स का। वाइल्ड वाटर बफेलो भैंस एलिफेंट स्वैम डियर एंड पार्क इज ऑल्सो रिकोगनाइज इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। और जो ये पार्क है इसमें क्या है, बर्ड एरिया भी है, मतलब बर्डों का मतलब चिड़ियों पक्षियों का भी स्थान है यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम लोग आगे, केवलादेव नेशनल पार्क, ये भरतपुर में है, महाराष्ट्र राजस्थान में भरतपुर में। 1985 में इसको दर्जा दिया गया है। दिस नेशनल पार्क इज पॉपुलर फॉर मैन मेड वेटलैंड। मैन मेड मतलब मानव द्वारा जनित है, कौन वेटलैंड है, और सेंचुरी हॉटस्पॉट फॉर ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन एक पक्षी होती है वो, और यहाँ पर ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या क्रेन्स है, लंबी लंबी गर्दन वाली जो भी होते हैं ना, ये लंबी लंबी गर्दनें इनकी हैं, ये सब क्रेन्स हैं। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में इसको हेरिटेज का दर्जा मिला है, असम में है। दिस सेंचुरी इज फेमस फॉर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व। यहाँ पर देख रहे हैं ना टाइगर, ये है कहा है किसके लिए फेमस है, ये प्रोजेक्ट टाइगर्स रिजर्व के लिए, मतलब जो भी टाइगर्स का संरक्षण के लिए है ये फेमस है ज्यादा से ज्यादा। और एलिफेंट भी यहाँ पर है, बायो फेवर रिजर्व के लिए भी है ये। अब है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, 1986 में इसको दिया गया है, और गोवा में है ये। इट इज फेमस फॉर रोम ऑफ द ओरियंट फर्स्ट मैनुवेलिन मैनिस्ट एंड बारोक आर्ट। ये एक आर्ट है, मैनिस्ट भी एक आर्ट है, फॉर्म इन एशिया, एशिया में इसको बनाया गया है। फर्स्ट लैटिन राइट मास इन एशिया, और क्या है फर्स्ट लैटिन राइट मास मतलब एशिया में इसका गठन हुआ है, मतलब एशिया में इसको पहली बार ऐसा बनाया गया है, ये बात हो रही है यहाँ पर। वीडियो काफी लंबी है तो आप लोग देखते रहिएगा, समझिएगा। मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो, खजुराहो में हम लोग अब आ गए हैं, ये मध्य प्रदेश में है, और 1986 में इसको हेरिटेज का दर्जा मिला। दिस मॉन्यूमेंट इज पॉपुलर फॉर ग्रुप ऑफ जैन हिंदू टेम्पल्स, जैन और हिंदू टेम्पल्स के लिए फेमस है। और इसका लोकेशन कहाँ है,
5 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द झांसी। अगर मान लो यहाँ पर झांसी है तो यहाँ पर साउथ साउथ और ईस्ट यहाँ पर ये स्थित है। वेल नोन फॉर देयर नगारा स्टाइल सिम्बोलिज्म एंड इरोटिक फिगर्स एंड स्कल्पचर्स। इरोटिक मतलब कामुक पिक्चरें हैं इस पर, और स्कल्पचर्स मतलब जो उभरा हुआ होता है उसको स्कल्पचर्स बोलते हैं। ये सब स्कल्पचर्स आ जाएंगे, ये सब गुम्बदे, ये सब जो ऊपर ऊपर के होंगे स्कल्पचर्स में आ जाएंगे। ये सब है मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। 1986 में इसका इसको मिला है, कर्नाटक में है। प्रॉस्परस किंगडम ऑफ विजयनगर, विजयनगर जो किंगडम है यहाँ पर है। द रियूम्स एट द हम्पी डिपिक्ट द फाइन ड्रेविडियन स्टाइल। ड्रेविडियन स्टाइल जो साउथ में जो स्टाइल यूज हो उसको ड्रेविडियन स्टाइल बोलते हैं। ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेरिटेज मॉन्यूमेंट इन दिस साइट इज विरूपक्षा टेम्पल। विरूपक्षा एक टेम्पल है, मंदिर है, वो जो इसका मेन है, मतलब जो इस मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी का है जो है उसमें से है विरूपक्षा टेम्पल, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। फतेहपुर सिकरी 1986 में आगरा में ये इस स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूट ऑफ फोर मेन मॉन्यूमेंट्स। क्या है इसका जो स्ट्रक्चर है, फोर मेन मॉन्यूमेंट्स है, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल और जादाबाई का महल, दीवाने खास एंड दीवाने इमाम इम। इसमें क्या है, चार मॉन्यूमेंट्स हैं इसमें, कौन कौन से हैं, जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, पंचमहल और दीवाने खास, ये सब हैं इसमें। इसको मिलकर क्या फतेहपुर सिकरी को एक हेरिटेज दिया गया है। इसको एलिफेंटा केव देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, मेरे ख्याल से जमीन के अंदर काट कर बनाया गया, ये हिल्स को बनाया गया काट कर। 1987 में इसको दिया गया है हेरिटेज के नाम पर। महाराष्ट्र में ये इट इज पॉपुलर फॉर बुद्धिस्ट और हिंदू केव्स के लिए। केव्स मतलब गुफा होते, देखे जो ये गुफा है एक प्रकार से बुद्धिस्ट और हिंदू का जो गुफा है। इट इज सिचुएटेड ऑन द आईलैंड इन अरबियन सी, अरबियन सी जो है मुंबई के साइड में उस वहाँ पर है ये। एंड एज अ बेसल रॉक केव एंड शिव टेम्पल, यहाँ पर शिव टेम्पल्स है और बेसल केव्स हैं, जो बेसल रॉक केव मतलब इसके बेसल रॉक के केव्स हैं, उनकी गुफाएं हैं बेसल रॉक के पत्थरों के, देख रहे हैं ना यहाँ पर अंदर लोग हैं। गुफा मतलब जो अंदर काट कर जमीन को अंदर से बनाया जाता है उसको हम लोग गुफा बोलते हैं केव। जैसे उत्तराखंड में है रॉबर्ट्स केव, तो ऐसे टाइप का है ये। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल 1987 में तमिलनाडु में ये। दिस टेम्पल इज पॉपुलर फॉर चोला आर्किटेक्चर स्कल्पचर पेंटिंग एंड ब्रॉन्ज कास्टिंग। जो इसका ऊपर है ये ना ब्रॉन्ज का मतलब ब्रॉन्ज कलर का ये बनाया गया है, और तमिलनाडु में पॉपुलर फॉर चोला आर्किटेक्चर मतलब चोला डायनेस्टी के समय का ये बनाया गया है, और पेंटिंग भी उसकी उसी समय की ब्रॉन्ज की है। हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग। पट्टाडकल मॉन्यूमेंट ये कहाँ पर है, कर्नाटक में, ये भी 1987 में इसको मिला है। इट इज पॉपुलर फॉर इट्स चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट ओरिजिनेटेड इन अहियोल एंड ब्लेंडेड विद द नगारा एंड द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये क्या चालुक्य डायनेस्टी के समय का है, और ये भी क्या है द्रविड़ियन जो साउथ में यूज होती है स्टाइल, उसको हम लोग द्रविड़ियन स्टाइल बोलते हैं। और नगारा यहाँ पर देख रहे हैं कैसा बनाया गया, कितना बढ़िया है उस समय का, मतलब सोचने वाली बात है कि उस समय लोग कितना ज्यादा कितना स्किल वाले लोग थे जो ऐसे ऐसे बना दिए, और अब लोग ऐसा नहीं बना पाते हैं। जबकि सुंदरबंस नेशनल पार्क ये तो सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो उसको क्या ही बोला जाए, मतलब सबको पता होगा इसके बारे में, सुंदरबंस नेशनल पार्क के बारे में। 1987 में उसको मिला है हेरिटेज का दर्जा, और वेस्ट बंगाल में है ये। दिस नेशनल पार्क इज पॉपुलर एज द बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए फेमस है। लार्जेस्ट स्प्रिन मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाते हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा पाया जाते हैं यहाँ पर। बंगाल टाइगर कहाँ पर पाया जाता है, यहीं पर पाया जाता है। एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर है और क्रोकोडाइल एक ये है, ये क्रोकोडाइल है आपका, और ये बंगाल टाइगर है। ये मैंग्रोव ये जो है ना, ये मैंग्रोव पौधे वृक्ष है। ये क्या करता है ना कि जो समुद्र से जो पानी आते हैं मतलब जल जो होता है उसको मतलब मिट्टी को बचाकर बहुत ज्यादा रखता है। ये तो सब कुछ कट कर चला जाता है बंगाल की खाड़ी में, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी इसी को बोलते हैं हम लोग, नंदा देवी पर है।
1988 में इसको दर्जा मिला है, उत्तराखंड में है ये। इट इज फेमस फॉर स्नो लियोपार्ड, जो बर्फ के जो भालू होते हैं, लियोपार्ड मतलब भालू नहीं, जो शेर की तरह होते हैं, टाइगर की तरह होते हैं, उनके तरह होते हैं। एशियाटिक ब्लैक बियर भालू, ब्राउन बियर जो भूरे रंग के भालू होते हैं, ब्लू सीप पाई जाती है यहाँ पर, एंड हिमालयन मोनल। वर्ल्ड नेटवर्क पर बर्ड शेयर, जो वर्ल्ड नेटवर्क है यहाँ पर बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पर हर कलर के हर टाइप्स के फूल पाया जाते हैं यहाँ पर। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम्स में कि फ्लावर्स ऑफ नेशनल पार्क मतलब फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो आप लोग बताते होंगे नंदा देवी और उत्तराखंड में। मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा, 1989 में मध्य प्रदेश सांची, सांची का स्तूप किसी को बताइए, सांची का स्तूप है ये, स्तूप है ये। इट इज अ पॉपुलर फॉर मोनोलिथिक पिलर पैलेसेस मॉन्स्ट्रीज टेम्पल्स मॉडर्न आर्किटेक्चर। ये धर्म हेतु इंस्क्रिप्शन, धर्म के पर्सपेक्टिव से इसको बनाया गया था, और मोनोलिथिक पिलर्स मतलब एक पत्थर से काट कर बनाया गया है, और पैलेसेस मतलब महल होता है, मॉन्स्ट्रीज मतलब मठ होता है। मॉडर्न टाइम में ये था। हुमायूं टॉम्ब 1993 में दिल्ली में ये। इट इज पॉपुलर फॉर प्रीकर्सर टू द ताजमहल एंड मुगल आर्किटेक्चर। जो ताजमहल का जो भी स्ट्रक्चर है और मुगल आर्किटेक्चर था उसका, उससे ही मिलता जुलता ये बनाया गया। देख रहे हो ना, ताजमहल की तरह ये कुछ ऐसा है। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ टॉम अ पवेलियन एंड वाटर चैनल्स एंड बाथ। बाथटब है ये, पवेलियन है इसमें, वाटर चैनल्स है। टॉम मतलब होता है गर्भगृह नहीं बोलते हैं उसे, जहाँ पर सौगृह उसको हम लोग टॉम्ब बोलते हैं। एक होता है ना वर्म टू टॉम्ब, मतलब आदमी का विकास कहाँ से कहाँ तक होता है, वर्म टू टॉम्ब, वर्म मतलब गर्भ, गर्भ से टॉम्ब तक मतलब जहाँ पर वो मर जाता है उसको हम लोग वर्म टू टॉम्ब बोलते हैं, तो यहाँ पर टॉम्ब है। अब हम लोग देखते हैं कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट। कुतुब मीनार है और इसके जो भी मोनूमेंट्स हैं आस पास के उनको हम लोग बोलेंगे। 1993 में इसको दर्जा मिला है, दिल्ली में है ये। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, कुतुबुल इस्लाम मॉस्क, मॉस्क मतलब होता है मस्जिद, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश एंड आयरन पिलर, ये सब मिलकर क्या है, एक कुतुब मीनार एंड मॉन्यूमेंट को क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर में लिया गया है इसको। माउंटेन रेलवे ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरी। दार्जिलिंग कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है। 1999 में इसको दर्जा मिला है। द माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, द नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड कालका शिमला, शिमला में ये, और नीलगिरी आपको सभी लोगों को पता होगा केरल में है, और ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। इन तीनों रेलवे को क्या किया गया है, बनाया गया है, किसमें? हेरिटेज के रूप में देखा गया है। ये देखिए जो हिल्स में जो भी चल रही है ट्रेनें उन सबको एक हेरिटेज के रूप में देखा जा रहा है। महाबोधि टेम्पल 2002 में बिहार में। एन इम्पोर्टेड रिलीजियस सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट एज दिस व्यास द प्लेस वेयर महात्मा बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट। यहाँ पर क्या है, महाबोधि टेम्पल में ही क्या हुआ था, जो महात्मा बुद्ध थे वो क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उनकी। बोध गया इज कंसिडर्ड एज द होलिस्टिक पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर द बुद्धिस्ट। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्री, स्पॉट फॉर द बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट जो भी तीर्थ यात्री होते हैं। होलिस्टिक मतलब सबसे ज्यादा पवित्र स्थान कहाँ पर है, बोध गया में है बुद्ध। तो आप लोग आगे देखते हैं, ये देखिए इसका है फोटो कैसे है, भीम बेट का 2003 में इसको मिला है, मध्य प्रदेश में है। इट इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग विथ इन नेचुरल रॉक शेल्टर्स स्टोन एज इंस्क्रिप्शन सिटिंग प्लेस ऑफ भीमा महाभारत। ये क्या है, सिटिंग प्लेस ऑफ भीमा, जो महाभारत में भीम थे ना उनके सिटिंग प्लेस को ही क्या बनाया गया है, हेरिटेज के रूप में देखा गया है। नेचुरल रॉक शेल्टर्स है, स्टोन एज के समय का बना हुआ है ये, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे है ये रॉक पेंटिंग, रॉक पर ही क्या पेंट किया गया है। और जहाँ पर जब महाभारत में भीम जो थे उनका जो बैठने का स्थान है वही है, एक भीमबेटका बोलते हैं इसे हम। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो महाराष्ट्र में है, छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है मतलब ट्रेन का जो है उसको हम लोग बोलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। इट इज पॉपुलर फॉर सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे है यहाँ पर, हेडक्वार्टर है। टेरर अटैक ऑन मुंबई इन 2008 में जो मुंबई में अटैक हुआ था उस समय, और गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर उसके मतलब किस लिए, जब 2008 में अटैक हुआ था मुंबई पर उसके कारण, और गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चर इसका जो स्ट्रक्चर है बनाने का, ये कौन सा स्टाइल, गोथिक स्टाइल, गोथिक स्टाइल का है इसको हम लोग इसमें मतलब 2004 में
यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड कर लिया। अब हम लोग देखते हैं 26 नंबर है, चंपनेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, ये 2004 में इसको हेरिटेज का दर्जा मिला है और ये गुजरात में। दिस प्लेस इज द ओनली कम्प्लीट एंड अनचेंज इस्लामिक प्री मुगल सिटी, यही एक मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर इस्लामिक नो चेंज हुआ है, मतलब इस्लाम का जो भी बनाया गया था प्री मुगल सिटी, मतलब मुगल आने से पहले जो भी इस्लाम पर जो कुछ भी बनाया गया था वो एकदम हूबहू अब तक भी है। द पार्क ऑल्सो हाउसेज सम ऑफ द एंशियंट कैल्कुलिथिक इंडियन साइट फ्रॉम द स्टोन एज एरा, जो स्टोन एज एरा है मतलब युग था स्टोन एज का, उस समय से ये जो पत्थर है उसमें उस समय का वो लगाया गया पत्थर है। रेड फोर्ट 27 नंबर है, 2007 में लाल किला को ही रेड फोर्ट बोलते हैं दिल्ली में। इट इज पॉपुलर फॉर शाहजहांबाद पर्शियन तिमूरी एंड इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल, रेड सैंडस्टोन आर्किटेक्चर, मोती मस्जिद है इसके अंदर में है, और सैंडस्टोन का रेड पत्थर से मतलब लाल पत्थर से बनाया गया है। और सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कब यहाँ पर अभिभाषण देते हैं, तो 15 अगस्त को, सभी हर 15 अगस्त को यहाँ पर क्या होता है अभिभाषण होता है प्राइम मिनिस्टर का। जंतर मंतर है 2010 में दिल्ली में, फेमस फॉर आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट महाराजा जय सिंह सेकेंड जो थे, द्वितीय महाराजा जय सिंह थे, लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ ऑब्जर्वेटरी, उनके ऑब्जर्वेशन में बनाया गया था। और एस्ट्रोनॉमिकल मतलब होता है खगोली, तो जो भी मतलब किसके लिए है इसको, खगोली विज्ञान के लिए एक प्रकार से बहुत ज्यादा फेमस है ये जंतर मंतर जो दिल्ली में है, 2010 में इसको मान्यता दिया गया है। द वेस्टर्न घाट कौन सा है, ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, इसके जहाँ भी जो भी आएंगे ये सब वेस्टर्न घाट में आएगा। कौन कौन सा है, कर्नाटका, यहाँ पर कर्नाटका आ जाएगा, तमिलनाडु वाला पोर्शन ये जो है ना साइड में इधर से आ जाएगा, ये हल्का फुल्का बहुत हल्का फुल्का ये जो ये वाला पोर्शन आएगा ये तमिलनाडु का आएगा, महाराष्ट्र का ऊपर में ही आ जाएगा, और केरला का ये पूरा रीजन जो आएगा ये सब वेस्टर्न घाट में आते हैं। तो हम देखते हैं फेमस फॉर एमंग वर्ल्ड 10 हॉटेस्ट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पर सभी प्रकार के बायोडायवर्सिटी पाए जाते हैं उसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। इंक्लूड्स मेनी नेशनल पार्क है यहाँ पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और रिजर्व फॉरेस्ट। 2012 में कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट, इसको भी क्या दिया गया है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं हिल फोर्ट जो 2013 में इसको मान्यता दी गई है, राजस्थान में है। दिस प्लेस इज फेमस फॉर यूनिक राजपूत मिलिट्री डिफेंस आर्किटेक्चर, राजपूत जो भी राजपूत बटालियन है उसके डिफेंस आर्किटेक्चर पर डिपेंड है ये। इट्स इंक्लूड 6 मेजेस्टिक फोर्ट इन चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर फोर्ट, कैग्रोन फोर्ट, अंबर फोर्ट और जैसलमेर, ये सब क्या है जो एक धड़क मूवी आई थी ईशान खट्टर और जानवी कपूर वाली, उसमें इन सब चीजों को दिखाया गया है कैसे कैसे हैं ये लोग, मतलब जो भी हिल फोर्ट पर जो है वो सब है इसमें। रानी की वाव जो 100 रुपए की नोट पर है ना, ये वो रानी की वाव का एक फोटो लगा हुआ है 100 रुपए की नोट पर, 2014 में है, गुजरात में है ये। इट इज एन एक्सप्लिसिट एग्जाम्पल ऑफ फाइन इंडियन एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर विच इज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी के समय का ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ये है रानी की वाव। अब हम लोग आगे देखते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में इसका प्लेस है, 2014 जो भी मतलब हिमालय का जो भी रीजन जो हिमाचल प्रदेश में आता है उसको हम लोग ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क बोल रहे हैं। इट इज होम टू अबाउट 375 फौना, मतलब 375 स्पेसीज हैं किसके, फौना मतलब होती हैं जो जानवरों की जो स्पेसीज होती हैं उसको फौना बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं कौन सी जो फ्लावर्स की जो पेड़ पौधे की स्पेसीज होती है उसको फ्लोरा बोलते हैं। एंड सेवरल फ्लोरल स्पेसीज इंक्लूडिंग सम वेरी रेयर स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स सच एज ब्लू शिप पाई जाती है, स्नो लिपॉर्ड पाया जाता है, इन हिमालयन ब्राउन बियर पाया जाता है, यहाँ पर हिमालयन थार, मस्क डियर, स्प्रूसेस, हॉर्स, चेस्टनट्स एंड ह्यूज अल्पाइन मीडोज, इट्स पार्ट ऑफ हिमालयन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये जो का है एक जो हिमालयन में जो भी बायोडायवर्सिटी है हॉटस्पॉट है इसका, हॉटस्पॉट बताया हूँ आप लोगों को किसे बोलते हैं, यहाँ पर सभी प्रकार की बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, जैसे प्रकार स्पेसिस पाई जाती है उसको हम लोग हॉटस्पॉट बोलते हैं। नालंदा पर हम लोग चलते हैं, 2016 में बिहार में अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड अ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री फ्रॉम द 3rd सेंचुरी BC बिफोर क्राइस्ट
बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको, टू द 13th century CE क्राइस्ट एरा। तो जो ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, और उसमें किस समय का, ये बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री के रूप में उसमें पढ़ाया जाता था। यहाँ पर सेंटर ऑफ लर्निंग मतलब शिक्षा था, यहाँ पर शिक्षा होती थी बच्चों का। हम लोग आगे देखते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये 2016 में इसको मान्यता दी गई है सिक्किम में। ये द नेशनल पार्क इज द फेमस फॉर इट्स फौना एंड फ्लोरा। फौना मतलब जो एनिमल्स जो स्पेसीज होती है उसको फौना बोलते हैं, फ्लोरा जो फ्लावर्स की स्पेसीज होती है उन सबको फ्लोरा बोलते हैं। विथ स्नो लियोपार्ड बीइंग ओकेजनली साइटेड, वो जो यहाँ पर क्या स्नो लियोपार्ड पाया जाता है ओकेजनली मतलब बहुत कभी कभार ही वहाँ पर वो दिखता है। अब हम लोग आगे देखते हैं आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुज़िए कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, 2016 में चंडीगढ़ में। ये रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज अ पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट। ये मॉडर्न मतलब क्यों इसको हेरिटेज के रूप में देखा गया, एक मॉडर्न के रूप मॉडर्न मूवमेंट के रूप में बहुत ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसके कारण इसे हम लोग यूनेस्को ने क्या किया है हेरिटेज के रूप में मान्यता दे दी है। द हिस्टोरिक सिटी 2017 में इसको मान्यता दी गई, अहमदाबाद में है ये। अ वर्ल्ड सिटी ऑन द बैंक ऑफ साबरमती वेयर कम्युनिटीज फॉलोइंग हिंदुइज्म इस्लाम एंड जैनिज्म कोएक्सिस्टेड फॉर सेंचुरीज। ये क्या है जो साबरमती बैंक ऑफ साबरमती रिवर है जो वहाँ पर है, यहाँ पर क्या होता है कि होता था हिंदू मुस्लिम और जैनिज क्या करते सभी मिलकर साथ बैठकर डिसीजन लेते थे, मतलब एक साथ बैठकर कुछ भी प्लान करते थे, सोचते थे अपने धर्म के बारे में देश के बारे में। और साबरमती आपके बात आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा साबरमती के बारे में, गांधी जी से रिलेटेड है ये और अहमदाबाद में है ये। बस एक विक्टोरियन गैथुक एंड आर्ट देखो इजेम्बल 2018 में इसको मान्यता दी गई है मुंबई में। ये इट इज अ कलेक्शन ऑफ 94 बिल्डिंग। उसमें क्या है 94 बिल्डिंग, जैसे आप लोग दिल्ली में सुने हुए सीपी के बारे में कनॉट प्लेस के बारे में, उसमें भी कई ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ब्लॉक डी ब्लॉक, तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक बिल्डिंग है। यहाँ पर 94 बिल्डिंग्स का एक जहाँ पर एक कलेक्शन है वो। एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस, इसका कल्चरल इम्पोर्टेंस भी है, लोकेटेड इन द फोर्ट एरिया ऑफ मुंबई, जो इंडिया मुंबई में जो फोर्ट है उसके आसपास ही यहाँ पर स्थित है ये। हम लोग आगे देखते हैं द पिंक सिटी। पिंक सिटी सबको पता होगा कि जयपुर को, जयपुर में है ये राजस्थान में 2019 में, और राजस्थान में ये जयपुर इज होम टू मेनी मैग्निफिकेंस फोर्ट। जो जयपुर क्या एक होम है किसका, मैग्निफिकेंस फोर्ट, किला है, पैलेसेस महल हैं, टेम्पल्स हैं, मंदिरें हैं और म्यूजियम संग्रहालय ऑल्सो फिल टू ब्रीम विथ लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रिंकेट। और यहाँ पर क्या है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है किसका, हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाए गए मटेरियल्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। पिंक सिटी आप लोग देख रहे हैं, फोटो में भी पिंक ही दिख रहा है, इतना बढ़िया मतलब देखने में कितना अच्छा लग रहा है ये। ये है काकतिया रुद्रेश्वर रमप्पा टेम्पल, ये तमिलनाडु में सॉरी तेलंगाना में, और ये 2021 में लिया गया है। ये 39th है और एक 39th है, मतलब अभी 38 थे, ये 39वां जो है ये क्या है नए में ऐड हुआ है 2021 में। द रमप्पा टेम्पल इज सिचुएटेड इन द पलमपट विलेज, तेलंगाना में पलमपट विलेज है वहाँ पर है। द टेम्पल इज एस्टिमेटेड टू बी एटलीस्ट 800 से 900 ईयर्स का है पुराना ये टेम्पल है। द टेम्पल इज स्पेशली नोन फॉर लाइट वेट पोरस ब्रिक्स विच आर नोन एज द फ्लोटिंग ब्रिक्स। ये जो इसका जो बनाया गया है ये मतलब इतना हल्के पत्थर का बनाया गया है, हल्के ईंट का बनाया गया है, ऐसा होता है बोला जाता है कि वो ईंट क्या होते हैं तैरते हैं। तो हम लोग देखते हैं लास्ट है धौलावीरा, ये लास्ट है सबसे 40वां 2021 में गुजरात में। ये धौलावीरा इज एन आर्किटेक्चरल साइट सिचुएटेड इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, कच्छ के रीजन में है ये और गुजरात में है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिंदू वैली सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता का सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मतलब महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन का स्थल है। यहाँ पर देख रहे हैं ना ये सब है हिंदू सभ्यता का ही है ये। थैंक यू फॉर टुडे, आज काफी लंबी वीडियो हो गई और मुंह भी सूख गया पूरा बोलते बोलते, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाइए ताकि लोग देखें इस वीडियो को, समझें महत्व क्या है एजुकेशन का और अपने एक मतलब मकसद क्या है इस वीडियो का बनाने का, कि अपने नेशन के बारे में जानें। सबसे इम्पोर्टेंट नो योर नेशन, मतलब एक थीम एक प्रकार से अगर होनी चाहिए, अगर जो स्टडी होती है वो एक नो योर थीम नो योर नेशन के नाम पर होनी चाहिए, जिसमें हम लोग जो भी
अपने देश में होते हैं सब कुछ, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे कोई भी प्लेस हो, चाहे भी कोई भी क्लाइमेट हो, चाहे भी कोई स्पेसिस हो, इन सब चीज़ों को हम लोग जानना चाहिए और हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।